हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मैथी चैनल पर पी के सी वास्तव आप लोग यूट्यूब चैनल का जो स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का सेशन है रीजनिंग पार्ट 89 का, यानी रीजनिंग पार्ट 89 का टॉप जो है ना, आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों इसमें जो अक्षर दिया हुआ है AGLPS, और यहाँ पर आपको बताना है कि अगला अक्षर क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 में से कोई एक जो है ना वहाँ पर होगा, तो आपको चुनना है। लेकिन चुनेंगे कैसे, जब पता होगा हमको तभी तो चुनेंगे। तो दोस्तों इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो देखिए, आपको सब जो है ना बेसिक रूप से देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी लिख लेते सबसे बेसिक रूप से। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, ओ पी यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है ए जो है ना, ए से जी, ए से क्या हुआ दोस्तों, जी हुआ। तो देखिए ये यहाँ है और जी यहाँ पर है, तो इन दोनों का, इन यहाँ से ए से लेकर जी का टोटल संख्या कितना है इसके अंदर, देखिए 1 2 3 4 5, यानी छठा संख्या पे जो है ना जी आता है, ठीक है। अब देखिए जी के बाद एल है, तो देखिए जी के बाद एल कहाँ है, जी के बाद यहाँ से यहाँ एल है, ठीक है। अब देखिए जी को छोड़कर यहाँ पर कितना संख्या के बाद एल आया है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5, यानी घटते क्रम में जा रहा है, आगे भी देखते हैं। चलिए इसके बाद यल के बाद पी है, यल के बाद कहाँ है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी है, कितना अक्षर होता है दोस्तों, यल के बाद देखिए 1 1 2 3 4, कितना हो रहा है दोस्तों, यानी 4। अब देखिए आप तो पूरा स्पष्ट हो गया है, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 4 आया, तो इसका मतलब है कि आगे 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, यल से जो है ना पी हुआ, अब पी से यस, पी से जो है ना यस, अब देखिए पी से यस कहाँ है, यहाँ है, तो पी से जो है ना यस कितना है दोस्तों, 1 2 3, कितना है दोस्तों, 3। अब देखिए यस अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो अब क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। अब देखिए यस के बाद क्या आएगा दोस्तों, दूसरा संख्या हम लेंगे, यस के बाद दूसरा संख्या कौन आएगा, पहला और ये दूसरा कौन आएगा दोस्तों, यू आएगा यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर यू कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यू मेरा डी में है, और इसका राइट आंसर डी से हो जाएगा। तो दोस्तों क्या ये बेसिक ट्रिक है कि नहीं है, आप लोग कहते हैं कि सर हम रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग में जो है ना समय बहुत ले लेता है, समझ में आ, देखिए किस तरह से ट्रिक जो है ना आजमाइए, और बहुत आसान से आपको जो है रीजनिंग मैथ जो है ना बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में साफ दर्शाइए, यानी सार्थक क्रम में दर्शाइए। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सार्थक क्रम के मतलब का अनुसार ये हुआ, सुटेबुल शब्द को जो है ना आपको एक लाइन से एकत्रित करके सजाना है। वो कैसे सजाएंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा, लकड़ी 1 नंबर में है, ठीक है, 2 नंबर में प्रकृति है, 3 नंबर में फर्नीचर है, 4 नंबर में जंगल है, 5 नंबर में वृक्ष है, ठीक है। तो आपको इसको क्रमबद्ध रूप से समझाएंगे एक, तो कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों, प्रकृति होगा, ठीक है, प्रकृति 2 नंबर पे, तो 2, ठीक है। इस प्रकृति के बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, जंगल, ठीक है, जंगल कितने नंबर, 4, ठीक है। इसके बाद जो है ना दोस्तों, जंगल के बाद क्या आएगा दोस्तों, जंगल के बाद जंगल में क्या होगा, क्या जंगल कैसे होता है, जंगल में क्या रहता है, तो वृक्ष रहता है, वृक्ष आएगा 5वां नंबर, ठीक है। वृक्ष के बाद क्या होगा, वृक्ष से हमें क्या मिलता है दोस्तों, लकड़ी मिलता है 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद जो है ना, लकड़ी से हमको क्या बनाना है, फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर भी दिया हुआ है, तो फर्नीचर देखिए 2 4 5 1 3 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का
प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर रिफॉर्मेशन दिया हुआ है, इनसे कौन कौन शब्द बनेगा या कौन कौन नहीं बनेगा, जो इसमें चार दिया हुआ है, क्या दोस्तों ये बनने वाला है और ये क्या नहीं, कौन बनने वाला नहीं है, वो आपको जो है ना बताना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, आर है, आर है, ई है, ई है, यफ है तो यहाँ पर यफ है, इसके बाद आर है तो आर है, ए है तो ए है, इसके बाद अ है तो अ है, यन है तो यन है, इसका मतलब ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा। दूसरा देखते हैं यम है, तो देखिए यम है, ठीक है, ओ है, ओ है, इसके बाद टी है, देखिए यहाँ पर टी है, आय है तो आय है, इसके बाद ओ है तो ओ है, इसके बाद यन है, तो ये भी बन जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा देखते हैं, आर है, आर है, ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं ताकि आप लोग समझ लें। अब देखिए आर है तो आर है, ई है, ई है, यफ है तो यफ है, आर है तो आर है, ए है तो ए है, सी। अब देखिए दोस्तों इसमें कहीं पर सी है नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये संख्या बनने वाला नहीं है। और यहाँ पर भी जो है ना बता रहा कि कौन सी संख्या नहीं, अक्षर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी नहीं प्रयोग में लाया जा सकता, तो इसका राइट आंसर जो है ना सी, करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आज का ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए दोस्तों। पर्वत है, पृथ्वी है और चांद है, तो दोस्तों आपको जो है ना समझना होगा कि पृथ्वी और पर्वत और चांद। तो दोस्तों देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी और पर्वत, पृथ्वी अपन पर्वत है दोस्तों, पृथ्वी पर ही पर्वत है। इसके बाद चांद, तो चांद कहाँ है दोस्तों, ना तो पृथ्वी पर है और ना ही पर्वत पे है, चांद क्या है दोस्तों अलग में है। इसका वेनग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, ये एक सर्कल हो जाएगा, कौन सी चीज़ की, पृथ्वी का, और पृथ्वी का अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों क्या, पर्वत आ जाएगा, ठीक है। और चांद जो है ना, चांद तो सबसे अलग हट के है दोनों से, तो ये अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह का वेनग्राम कौन सा ऑप्शन में, तो इस तरह का वेनग्राम ऑप्शन नंबर सी में है और इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिस प्रकार से एल ओ बी को 27 लिखा गया, उसी प्रकार सी ओ एम को कितना लिखा जाएगा, यानी कई जो है ना वो क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा इसमें भी दिमाग लगाइए और मैं आपको 100% जो है ना बेसिक रूप से समझाऊँगा। जब इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो हमको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है और आप लोगों को भी समझने में हमें लगता है कि बहुत मज़ा आता होगा। देखिए दोस्तों इसके क्या लव है ना, चलिए मैं सबसे पहले ए बी सी डी लिखूँगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसके बाद एन ओ पी यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है, अब जेड, ठीक है, अब हो गया जेड। अब देखिए यल, यल कितने नंबर पे, सबसे पहले इनको नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर लेंगे तो बहुत आसान जो है ना समझ जाएगी। चलिए यल, यल कितने नंबर पर दोस्तों, यल है, जबकि जो है ना यम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पे, तो ये जो है ना 13 से ये कम है तो ये 12 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओ देखिए कितने नंबर पर दोस्तों, तो ओ जो है ना दोस्तों 13, 14, 15 नंबर पर कितना आइए वो आएगा, 15 नंबर पर वो आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यम है, तो यम कितने नंबर पर दोस्तों, 13 नंबर पर, ई कितने नंबर पर, 5 नंबर पर आएगा। तो अब इन सबको आप आपस में जोड़ लेंगे, तो 13 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 25, 25 और 5 कितना होगा दोस्तों, 25, 13 और 12 कितना होगा, 25 हुआ, और 25 और 5 कितना हुआ दोस्तों, 25, 13, 14, 15, हाँ 25 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25, 5, 30, 13 और 12 यम का, हाँ सी, ये सी है ना दोस्तों, सी 3 नंबर पर आएगा ना, सी 3 नंबर पे, सी 3 नंबर पर आएगा। तो अब इसको जोड़ लो, 13 और 12 25, 5 30, ठीक है, 30 और इसके बाद जो है ना 30 और इसके बाद 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 10 40 5 45, ठीक है, 45 और 3 48, 45 और 3 सी, ये देखिए दोस्तों
सी तीसरे नंबर पे है, ओ वो कितने नंबर पे दोस्तों, 15 नंबर पे है, ठीक है, वो 15 नंबर पे है, यम 13 नंबर पे है, यम 13 नंबर पे है, ये यल नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए तो कंफ्यूज हम भी हो रहे हैं। और आप लोग भी कमेंट करके नहीं बताते हैं कि सर ये जो है ना 12 जो है ना ये गलत लिख दिया है, तो अब इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 और 3 कितना होगा दोस्तों 16, 16 और 5 कितना होगा दोस्तों 21, 21 और 15 कितना होगा दोस्तों 36, ठीक है, और 36 में दोस्तों हम दूसरे भागा दे देंगे कितना होगा दोस्तों 18। देखिए ऑप्शन नंबर 18 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 18 जो मेरा बी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। उसी तरह से आप लव को भी इसी तरह से नंबर करेंगे तो ये 54 आएगा, 54 में 200 भागा दे देंगे तो 27 होगा, उसी तरह इसको भी कर लिए 18 आ गया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सही। तो दोस्तों आज के ये होमवर्क के तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर जिन स्टूडेंट का अगर ये क्वेश्चन नहीं आता होगा तो पीके मौज मस्ती चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग पार्ट जो है ना 88 देख लीजिएगा, और सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा या फिर ये होगा। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, पीके मौज मस्ती चैनल को सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात कल फिर मिलेंगे, ओके बाय।